क्या है ये सब? सर वो मेरा शूलेसेस। मिस्टर जयसवाल, ये आपका फिर से कोई नया भद्दा मजाक है? नो सर। सर गलती हो गई आयुष्मान से, आज पहला दिन है, थोड़ा नर्वस हो गया है ना? आप वर्तमान में आ ही गए हो तो इस जगह के लायक बनना भी सीखो। चलो आज के लिए इतना ही बहुत है, जाकर सब अपना अपना काम कर सकते हैं। आयुष्मान तुम कहाँ जा रहे हो? तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर के बाद मेरे कैबिन में आ जाओ, मैं तुम्हें आज का टाइम टेबल बता देता हूँ। ओके ये सब क्या है? हाँ जो कुछ भी हुआ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। देखो आयुष, जो तुमने किया है उस हरकत से लोग जरूर भूल जाएंगे कि तुम यहां तक कैसे पहुंचे हो, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि तुम यहां वरदान में क्यों आए हो। I'm sorry. It's all right. Now tie your shoelaces. Bye, guys. आपने गौर किया हमारी कल की बात पे? डैड आप कहते हैं तो मैं आयुष से जाके मिलूंगा, उसकी जीत पर उसे मुबारकबाद भी दे दूंगा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि उसकी जीत हुई और आपकी हार? एक दिन आप भी अच्छे डॉक्टर बनेंगे, मगर अगर इसी तरह आप दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करते रहे तो ना तो खुद खुश रह पाएंगे और अपने दोस्तों को और चाहने वालों को भी पीछे छोड़ देंगे। एक बात बताओ, आपके कितने दोस्त हैं जो आपकी भलाई चाहते हैं? है भी या नहीं है? तो उन्हें बनाए रखिए। आज सोनिया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही है, उनसे जाके मिलिए, रोहित से भी, समझ गए? उसकी रिपोर्ट्स मेरे पास तुरंत भेज दीजिए। एक्सक्यूज मी सर, कैन आई कम इन? कम या गेट बैक। हेलो आयुष्मान, कैसे हो? सुबह ज्यादा चोट तो नहीं आई थी? नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दैट्स गुड। मैं तुम्हारा ही टाइम टेबल बना रहा था। वैसे कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? अच्छा सर, जो जो क्लासेस आपने कही थी वो सब मैंने अटेंड किया और जो नोट्स आपने लिखवाई थी उन्हें भी मैंने पढ़ लिया। पढ़ लिया इतनी जल्दी? सर जब मैंने उनमें देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सब पढ़ चुका हूँ, तो जब क्लास में सवाल पूछे गए तो जवाब देना कोई मुश्किल बात नहीं। सर मुझे लगता है कि मैं फर्स्ट ईयर का एग्जाम ले सकता हूँ अभी। फर्स्ट ईयर का एग्जाम अभी? यस सर। देखो आयुष्मान, तुम इस एग्जाम के लिए तैयार होंगे, मगर मैं, मेरा मतलब है ये हॉस्पिटल अभी तैयार नहीं है। परमिशन लेनी पड़ेगी, तैयारियां करनी पड़ेगी। सर ये सब कितना जल्दी हो सकता है? जल्दी नहीं आयुष्मान, कम से कम एक हफ्ता लग जाएगा। एक हफ्ता? सर एक हफ्ता में तो ये एग्जाम देने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वेल, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस काबिल हो, इस लायक हो, और अगर तुम्हें अपने आप पर विश्वास है तो फिर गो अहेड, ले लो एग्जाम।
लेकिन मैंने तुम्हारे लिए ये साल भर का टाइम टेबल तैयार किया। सॉरी सर, मेरी वजह से आपका इतना वक्त बर्बाद हुआ। नहीं आयुष्मान, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैं तुम्हें ठीक से पहचान नहीं पाया। मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारी उस एग्जाम की तैयारियां करवाता, पर आयुष्मान मैं चाहता हूं कि उससे पहले तुम थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लो, सीनियर इंटर्न्स के साथ जाओ राउंड्स पे, देखो वो पेशेंट्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं उनको हॉस्पिटल में, और क्या क्या होता है, सारी एक्टिविटीज को देखो। हाँ सर। सर मैं ये नहीं जताना चाहता कि मैं सब कुछ जानता हूं, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। और मैं जानता हूं ये सब कुछ तुम्हें कौन सिखाए, तुम्हारे सीनियर इंटर्न्स। वो अपने फिफ्थ ईयर में हैं और तुमसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब है। आयुष्मान वो लोग तुम्हें कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे जो तुम्हें किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे। दर्द से मुझे शर्म आ रही है कि पहला दिन लोग मेरा स्वागत करने आएंगे और मैं शेरन, शेरन तुम्हें पता नहीं आज तुमने क्या मिस किया। आज सुबह रुको, बताना मत, मुझे इसका चेहरा पढ़ने दो। तुम आज बहुत खुश लग रहे हो, तुमने आज कोई बहुत बड़ी शरारत की है, और तुम खुश तभी होते हो ना जब तुमने किसी को बहुत परेशान किया होता है। Come on, tell me, कौन है वो? आयुष्मान जायसवाल नाम है उसका। क्या बात है आयुष्मान, तुम तो बहुत फेमस हो, तुम्हारे सीनियर इंटर्न्स तुम्हें पहचाने लगे। आओ तुम भी इन्हें पहचान लो, ये डॉक्टर शेरन, वैसे तो पीडियाट्रिक्स में स्पेशलाइज करना चाहती है लेकिन इनका स्पेशल टैलेंट है चेहरों को पढ़ना। ये डॉक्टर कुरुश जो हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं और मेरे ख्याल से बन जरूर जाएंगे, और आप है डॉक्टर अरिंदम बैनर्जी, ये भी कार्डियोलॉजी में है पर ये दिल की बातों में नहीं दिल की बॉटनी में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, और ये है आयुष्मान। अब पैर कैसा है तुम्हारा? मुझे तो समझा ही नहीं मैं कैसे फिसल गया, लेकिन आयुष्मान को जिंदगी के बारे में बहुत कुछ समझ में आने लगा, तभी वो अभी से फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने की तैयारियां कर रहे हैं। अभी यानी? अभी एक हफ्ते में। इसलिए मैं चाहता हूं कि आयुष्मान थोड़ी देर आप लोगों के साथ भी रहे, उसे सब कुछ सिखा दीजिए आपकी हॉस्पिटल में क्या क्या होता है, पेशेंट्स के साथ कैसे पेश आते हैं। आप लोग समझा देंगे ना अपने जूनियर? शाह सर, आप फिक्र मत कीजिए सर, हम आयुष्मान को सब कुछ समझा देंगे। तो फिर जाइए, खड़े क्यों, काम पे लग जाइए, लेट्स गो। आयुष्मान तुम जरा मेरे साथ चलो। आयुष्मान मैं आज तुम्हें हॉस्पिटल लाइफ के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो तुमने किताबों में कभी नहीं पढ़ी। कैसी बातें सर? ये जो तुम्हारे सीनियर्स है ना, मुझे गलत मत समझना, बहुत ही होनहार और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स है, लेकिन क्या है आयुष्मान कि तुमने बहुत ही कम समय में बहुत कुछ पा लिया है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, कुछ लोग शायद जले तुमसे। मुझे तो ऐसा नहीं लगा वरदान में सर। नहीं नहीं आयुष्मान, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि
वरदान में ऐसा कुछ हो रहा है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, तो तुम होशियार रहना आयुष्मान, क्योंकि कॉलेजेस से कहीं ज्यादा रैगिंग इंटर्न्स की हॉस्पिटल्स में होती है। ये मेरे साथ हुआ है आयुष्मान, लेकिन तुम्हारा सीनियर, तुम्हारा गाइड हूं, तुम्हारा दोस्त हूं आयुष्मान, इसलिए मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि अगर तुम्हें इन सब का सामना करना है तो तुम्हें अपनी जगह पर डटे रहना होगा। तुम्हें याद रखना है आयुष्मान कि तुम्हें हारना नहीं, तुम्हें जीतना है। और फिर आयुष्मान, कदम कदम पर मैं तो तुम्हारे साथ हुई ना, तुम इतनी जल्दी हार मानोगे नहीं और वो लोग तुम्हें जीतने देंगे नहीं। देखा, मैंने नहीं कहा था कि वो ज्यादा ही भूल रहा है। सोचता है कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम एक हफ्ते के बाद दे देगा। बोल तो सही रहा है, लेकिन उसके चेहरे को देख के लग रहा था कि वो शायद करके दिखा भी दे। अब जब उसने इतना कुछ करके दिखा दिया है तो उसके लिए ये करना मुश्किल नहीं होगा। He's genius. Genius, genius, कुछ नहीं, वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझता है। लेकिन अब उसका पाला मुझसे पड़ा है। मैं उसे एक हफ्ते के अंदर ही दिखा दूंगा कि उसकी सही जगह कहाँ है। क्या मतलब? एरी, मुझे तुम्हारे इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। अच्छे बुरे? पिछले 5 सालों से रगड़ रगड़ के जो कुछ भी हमने यहाँ सीखा है वो किताबों में नहीं मिलता। उन सब का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना मिस्टर जीनियस को। मैं तो कब से इन हॉस्पिटल वालों से कह रही हूं मैं घर पर तेरी कई अच्छी तरह से देखभाल कर सकती हूं। अब जाके माने ये लोग। घर जाकर भी 2 हफ्ते तक बिस्तर पे आराम करना होगा। मतलब एक बिस्तर से उठकर दूसरे बिस्तर पर? Oh no, डॉक्टर। Oh yes, patient. अब ए सोनिया, डॉक्टर से ज्यादा बहस नहीं करते, वो जो कहते हैं तुम्हारे अच्छे के लिए। आयुष, तुमने सुना डॉक्टर क्या कह रहे हैं? मुझे 2 हफ्ते तक और बिस्तर पे पड़े रहना पड़ेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी चाहिए। उम्र ज्यादा होती तो शायद रेस्ट ठीक होता, बट कम उम्र में मसल्स को ज्यादा स्ट्रेच नहीं किया जाए या ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाए तो अकड़ आ सकती है। मुझे लगता है तुम अपने फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह लेकर एक्सरसाइज शुरू कर सकती हो। गले की चोट के बाद अक्सर यही सलाह दी जाती है कि स्ट्रेस ना दिया जाए। हाँ सोनिया, जैसे डॉक्टर कह रहे हैं हमें वैसा ही करना होगा। क्यों डॉक्टर मयंक? वेल, डॉक्टर अरिंदम कह रहे हैं कि एक्सीडेंट के बाद पेशेंट को ज्यादा स्ट्रेन नहीं देना चाहिए। जो बात सच? आयुष्मान का कहना है कि सोनिया अभी बच्ची है, उसे अगर ज्यादा दिनों तक एक्सरसाइज नहीं मिली तो उसकी मांसपेशियां सुकड़ सकती हैं। जो बात भी सही है, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, पर सोनिया की एज, उसकी सेहत और उसकी पिछली हिस्ट्री को देखते हुए मुझे कहना पड़ेगा कि आयुष्मान ज्यादा सही है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। Take care, Sonia. Thanks, Doctor. Bye. क्या समझता अपने आप को? मेरी बात काटने का हक किसने दिया इसे? मुंह के बल गिरकर भी अकड़ नहीं गई। अब की बार ऐसा गिराऊंगा कि दोबारा उठने के लायक ही नहीं रहेगा।
आज सुबह जो हुआ उसे जाने दो। मां मैंने कहा ना जाने दो, बाप हूं मैं उसका। तो बाप का फर्ज तो निभाया होता, पहला दिन था उसका काम पे जाने का और तूने पता नहीं कैसे मन से गया होगा, अब तक आया भी नहीं है। कहीं मटर गश्ती कर रहा होगा जैसा हमेशा कॉलेज की बात करता था। वो अब कॉलेज में नहीं है, डॉक्टर की ट्रेनिंग ले रहा है। वो हमारा बेटा कमाने लगा है। काम करने लगा है? क्या कमाता क्या है वो? इज्जत कमाता है। जो तुमने कभी नहीं कमाई। पता है डॉक्टर की समाज में क्या इज्जत होती है? पापा ने भी तो इज्जत ही कमाई ना। और क्या कमाया? मुझे तो खुशी है मुन्ना अपने दादाजी पर गया है। आप लोगों की नजरों में मैंने कोई इज्जत नहीं कमाई, लेकिन जो मैंने किया है वो पापा ने भी नहीं किया। अपने परिवार को पाला पोसा, सर के ऊपर छत दिया, और कुछ लोगों की नजरों में इसे इज्जत कमाना कहते हैं। तुम लोग इसके साथ कैसे रहते हो मेरी समझ में नहीं आता। कुछ दिनों से परेशान है, दिल के बहुत अच्छे हैं। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से समझती हूँ, उसकी बातों का मुझे दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि पिता के आदर्श बेटे में नहीं आ पाए, लेकिन मुन्ना में मैं उसके दादाजी को देखती हूँ। और तू भी देखना, ये बेटा अपने बाप को सिखाएगा जिंदगी का असली मतलब क्या होता है। हेलो सर। तो आयुष्मान, कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? बहुत थकाने वाला था सर। और थकान तो होगी ही ना, एक साल का काम तू एक दिन में जो कर रहा है? सर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता सर। 5 साल की पढ़ाई एक दिन में पूरी कर ली, क्यों ना हो? आखिर जीनियस जो है, चलो हम भी देखें ये जीनियस होते कैसे हैं। इधर आओ, नहीं आओगे तो हम भी उधर चलते हैं। जरा हम भी तो देखें कि बाकी इंसानों की तरह तुम्हारी भी 2 आंखें 2 कान 1 नाक है कि नहीं। उस लड़की के रूम में तो बहुत बोल रहा था, अब एकदम चुप क्यों हो गया? अरे ये जीनियस तो डर गया। आप लोग ये सब नहीं कह सकते। कौन रोकेगा हमें? तू? हम तो तुझे सिखाने आए, तू यहां सीखने आया ना, तू सीखो। अभी तुम्हें इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत कुछ जानना है जो यहाँ के डॉक्टर्स नहीं सिखा सकते। तुम्हारे सीनियर सिखाएंगे ऐसी बातें जो किताबों में नहीं होती, लेकिन उन्हें सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ के तौर तरीके, कायदे कानून तुम्हें सीखने पड़ेंगे, सीखने ही पड़ेंगे आयुष्मान।